तो देख सकते हैं अपन मैं इसको बहुत अच्छे से सेट करते हैं, अपन गेट के बाहर में चिपका दिया, और देखने जैसे मैं अंदर जाऊंगा तुरंत ऑन हो जाएगा, जैसे ही बाहर आऊंगा ये तुरंत ऑफ भी हो जाएगा, एक स्विच की तरह एक ऑटोमेटिक स्विच है। तो चलिए पहले इसको ऑन करते हैं, सर्किट को ऑन करते हैं और यहाँ पर पावर देते हैं, देखने जैसे मैं अंदर जाऊंगा ये ऑन हो जाएगा। और देखा जैसे मैं बाहर आया तुरंत ऑफ भी हो गया, फिर से देखाता हूँ। ऑटोमेटिक बाथरूम लाइट या कह सकते हैं ऑटोमेटिक स्टोर रूम लाइट। तो पिछले वाले वीडियो में मैं इसको बनाया था एक PIR मोशन सेंसर को यूज करके, लेकिन आज हम इस वीडियो में इसको एक IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर को यूज करके बनाने जा रहे हैं, और ये भी बहुत अच्छे से 100% एक्यूरेटली काम करेगा, उससे भी बेटर काम करेगा। और ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर PIR मोशन सेंसर से कंप्रेस में मिल जाता है। तो अगर आपको पता नहीं है क्या चीज़ है तो आपको बता देते हो, जैसे ही सर्किट का आप घर में इंस्टॉल करोगे, जैसे ही घर के अंदर जाओगे लाइट ऑन हो जाएगा, जैसे ही बाहर जाओगे लाइट ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाएगा। और ये एक बहुत ही अच्छा साइंस प्रोजेक्ट है, आप चाहो तो इसको अपने घर के लिए भी बना सकते हो। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम ना लगे देखते इसको बनाते कैसे। तो देख सकते हो ये एक बहुत ही अमेजिंग ऑटोमेटिक बाथरूम लाइट, और इसको हमने बनाया था PIR मोशन सेंसर को यूज़ करके, और बहुत ही सिंपल तरीके से, और ये 100% एक्यूरेटली वर्क भी करता है। तो इससे आप 220 वोल्ट का लाइट को भी जला सकते हो, देख सकते हो। और इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में इसके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ये जो PIR मोशन सेंसर है इसके बदले में हम एक IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर को यूज़ करने वाले हैं। और देख सकते हो इसका पिन आउट सेम ही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक आउटपुट है, और यहाँ पर भी सेम है, एक पॉजिटिव नेगेटिव और आउटपुट। तो चलिए इसको पहले खोल लेते हैं, उसके बाद हम इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और देखेंगे काम कैसे करता है। आई होप ये भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से 100% एक्यूरेट के साथ काम करेगा, और ऑटोमेटिक बाथरूम लाइट भी बहुत ही अच्छे से फंक्शन करेगा। तो चलिए भाई फटाफट इसको खोल के इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका पिन आउट कुछ इस तरह से, ये वाला है पॉजिटिव यानी VCC, और इस साइड ये ब्लू वाला है जुड़ा, ये वाला है नेगेटिव यानी ग्राउंड, और ये मिडिल वाला होता है आउटपुट, ठीक है। और इसका पिन आउट देख सकते हो कुछ इस तरह से, ये अपन लिखा हुआ देख सकते हो, ये वाला आउटपुट, मिडिल वाला ग्राउंड, और ये वाला VCC। तो हम यहाँ पर तीनों पिन को इस तीनों पिन के साथ मैच करके लगा देंगे। तो चलिए पहले इसको खोल देते। और दोस्तों ये वाला सर्किट को हमने कैसे बनाया, ये देखने के लिए आप पहले वाला वीडियो को जाकर जरूर देख लेना। इसको मैंने खोल दिया, अब चलिए सिंपली इसको जोड़ देते। तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव को जोड़ दूंगा, पॉजिटिव के साथ एक रेड वायर की मदद से। और नेगेटिव को जोड़ दूंगा नेगेटिव के साथ एक ब्लैक वायर की मदद से। और आउटपुट को जोड़ दूंगा आउट के साथ, तो मतलब ये रजिस्टर के साथ। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा कनेक्शन 100% कंप्लीट हो चुका है, और ये प्रोजेक्ट भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए फिर एक बार डेमो दे देते हैं, उसके बाद इसको किसी भी गेट या दरवाजे पर इंस्टॉल करके भी दिखाएंगे अच्छे से। दोस्तों ये एक 9 वाट का LED बल्ब है, और वो कोई भी LED बल्ब लगा सकते हो, देख सकते हो गया। एक्चुअली इसका स्विच को सिंपली ऑन कर देते हैं, इसी तरह LED ग्लो करने लगा, ये एक्टिवेट हो गया। और अभी हम इस स्विच को भी दे देंगे, ओके। तो देख सकते हो अभी लैम्प ही ऑफ है, जैसे इसके सामने से जाऊंगा देखना लैम्प ऑन हो जाएगा, देख सकते हो। एक बार जाने से ऑन हो जाएगा और दोबारा जाने से ऑफ हो जाएगा, देख सकते हो। यहाँ पर देखना 2 LED ग्लो करेगा, एक पहले से ग्लो करे और सामने जाने के बाद एक और LED ग्लो कर गया, पर मतलब ये एक्टिवेट हो जाएगा, देख सकते हो। तो चलिए फिर इसको गेट या दरवाजे में इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं इसको बहुत अच्छे से सेट करते हैं, यहाँ पर गेट के बाहर में चिपका दिया, और देखने जैसे मैं अंदर जाऊंगा तुरंत ऑन हो जाएगा, जैसे ही बाहर आऊंगा ये तुरंत ऑफ भी हो जाएगा, एक स्विच की तरह एक ऑटोमेटिक स्विच है। तो चलिए पहले इसको ऑन करते हैं, सर्किट को ऑन करते हैं और यहाँ पर पावर देते हैं, देखने जैसे मैं अंदर जाऊंगा ये ऑन हो जाएगा।
और देखा जैसे मैं बाहर है तुरंत ऑफ भी हो गया, फिर से देखाता हूँ। और देख सकते हो कितने अकॉर्डली 100% ऑफ कर रहा है। और देखा जैसे मैं सामने से हाथ ले जाऊंगा ऑन हो जाएगा, और दोबारा हाथ ले जाने से ऑफ हो जाएगा। और तो इस सेंसर के आगे कुछ भी आएगा, एक बार जाएगा तो ऑन हो जाएगा, दोबारा जाएगा तो ऑफ हो जाएगा। तो बाद में साइकिल के साथ आप PIR मोशन सेंसर का भी यूज़ कर सकते हो और IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर का भी यूज़ कर सकते हो, ये दोनों मॉडल के सपोर्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है, मैं इसका साइकिल डायग्राम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो दोबारा देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आपका ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो भी मिस ना हो। और आपके इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।